हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूट्यूबर फ्रेंड महानंद ध्रुव। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि पबजी गेम को कैसे छिपा सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। यदि किसी भी मोबाइल फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडमी फोन की होम स्क्रीन ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पबजी गेम है। इस पबजी गेम को पाने के लिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स की एप्लीकेशन को सिंपली से एक बार टैप करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटिंग्स की इंटरफेस ओपन हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्स की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। एप्स की ऑप्शन को टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्स लॉक की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। एप लॉक के ऑप्शन को टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्न ऑन के ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। टर्न ऑन की ऑप्शन को टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न लॉक की इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना, पैटर्न लॉक लगा लेना। पैटर्न लॉक लगा लेने के बाद इसके बाद यार यहाँ पर इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट ऑन की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। नॉट ऑन की ऑप्शन को टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का एक छोटा सा पॉपअप पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि फेस लॉक लगाना चाहते तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज फेस अनलॉक की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। यदि नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर कैंसिल की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का फिर से एक छोटा सा पॉपअप पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन की फिंगरप्रिंट को प्रेस करना। यदि नहीं लगाना चाहते तो कैंसिल की ऑप्शन को सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर एप लॉक की एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बटन की आइकन को सिंपली से एक बार टैप करना। बटन के आइकन को टैप करते ही इन एप्लीकेशन पर लॉक लग जाता है। यदि किसी भी एप्लीकेशन को छिपाना चाहते तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हिडन एप्स के ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है यार, पबजी मोबाइल लाइट की बटन के आइकन को सिंपली से एक बार टैप करना। बटन के आइकन को टैप करते ही पबजी गेम छिप चुका है। गेम छिपा है या फिर नहीं छिपा इसे पता करने के लिए फिर से मोबाइल फोन की होम पेज को ओपन करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोबाइल फोन की होम पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पबजी गेम यहाँ पर था, वो पबजी गेम छिप चुका है। इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल फोन से पबजी गेम को छुपा सकते, छिपा हुआ गेम को फिर से वापस लाने के लिए इसके लिए आपको क्या करना है, उसी सेटिंग्स पर चले जाना है, और वहां पर आपको क्या करना है, बटन की आइकन को सिंपली से फिर से एक बार टैप करना। टैप करते ही फिर से मोबाइल फोन पर पबजी गेम वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल फोन से गेम को छिपा सकते। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही यार, अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।